ये जो बेंच आप देख रहे हैं ये स्कूल डेस्क है जो 100% MLP वेस्ट, लाइक आपके नमकीन के रैपर्स, चॉकलेट रैपर्स, बिस्किट रैपर्स, टॉफी के रैपर्स, जो बहुत ही पतली एक तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग होती है जिसको कलेक्ट करना बहुत टफ है, उसको हमने कलेक्ट किया और इस तरह के प्रोडक्ट हमने बनाए। 6 mm से लेके 24 mm तक के बोर्ड हम बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स आप देख रहे हैं। इन बोर्ड को बनाने में किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का एडेसिव यूज़ नहीं किया गया। ये 100% MLP से बनाया गया और हम डिफरेंट थिकनेस का बोर्ड बना के इसको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड से फिर उसी प्लांट के अंदर हमारी इनहाउस फैब्रिकेशन यूनिट है जहाँ पे हम अलग अलग तरह के यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे स्कूल डेस्क है आपका, पार्क में जो लगने वाले बेंचेज हैं, या फिर स्टेशनरी गिफ्ट आइटम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता का जान। आज हम आए एक ऐसी कंपनी के पास जिनके पास प्लास्टिक रिसाइकलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड होते हैं। ये प्लास्टिक बॉटल, चिप्स, चॉकलेट के रैपर को रिसाइकल करके फर्नीचर, हैंडबैग्स, कर्टन्स और फैब्रिक्स बनाकर तैयार करते हैं। यानी हम कह सकते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। पता करेंगे और इसकी फंक्शनिंग के बारे में, इसके प्राइस क्या है और इसका टाइम पीरियड और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है वो पता करते हैं, और किस तरीके से कहाँ स्टार्टिंग टू एंड तक जो प्रोसीजर है वो पता करेंगे। तो सर से हम बात करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर से पता करते हैं। हेलो सर, सर स्टार्टिंग विद योर नेम एंड योर कंपनी नेम। Myself Ashish Jain, I am founder director of Indian Pollution Control Association. ये एक NGO है जो कि 2001 से वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर पे काम कर रही है, और हमने वेस्ट में काफ़ी सारे इनोवेशंस करे हैं, वेस्ट में काफ़ी सारे तब्दीलियाँ लाए हैं और लोगों तक पहुँचे हैं कि वो अपने वेस्ट को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज हम GCPRS एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू डिमोन्स्ट्रेट आर इनोवेटिव प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म बाय MLP वेस्ट। MLP वेस्ट एक बहुत ही चैलेंजिंग पैकेजिंग वेस्ट है जो 2018 से पहले कोई कलेक्ट भी नहीं करता था, सेग्रीगेट नहीं करता था, रिसाइकिल भी नहीं करता था, एंड वी हैव टुक दिस चैलेंज टू रिसाइकिल MLP। ये जो बेंच आप देख रहे हैं ये स्कूल डेस्क है जो 100% MLP वेस्ट, लाइक आपके नमकीन के रैपर्स, चॉकलेट रैपर्स, बिस्किट रैपर्स, टॉफ़ी के रैपर्स, जो बहुत ही पतली एक तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग होती है जिसको कलेक्ट करना बहुत टफ है, उसको हमने कलेक्ट किया और इस तरह के प्रोडक्ट हमने बनाए। हमारे दो प्लांट हैं, एक ग्रेटर नोएडा में है और एक पटियाला में है, जहाँ पे हम हॉट पॉट प्रेस टेक्नोलॉजी के द्वारा MLP के वेस्ट को प्लास्टिक कंप्रेस बोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आपको पूरा रेंज अपना प्रोडक्ट का दिखाना चाहूँगा। उसी से हम ये स्कूल डेस्क बनाते हैं, हम किसी भी तरह का फर्नीचर हम बना सकते हैं। सर एक चीज़ आपने जो बताया कि आपका प्रोडक्शन वहाँ से होता है, तो मशीनरी स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा प्रोसीजर करके स्क्रैप टू फाइनल, मैं आपको अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे हम कम्युनिटी के साथ एंगेज करते हैं, हम कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं कि वो सोर्स पे अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करे, और फिर हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके सोर्स से वेस्ट को कलेक्ट कर सके। ऐसे हमारे कुछ 3 प्रोजेक्ट चलते हैं, माइट NKG प्रोजेक्ट है, बोटल फॉर चेंज प्रोजेक्ट है, ड्रॉप है, जहाँ पे हम डोर स्टेप पे सेग्रीगेटेड प्लास्टिक कलेक्ट करने की सर्विसेज रेजिडेंट्स को देते हैं और उनमें एक बिहेवियर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से हमारा सेग्रीगेटेड वेस्ट हमारे MRF पे आता है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहाँ पे हम फर्दर उसको कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करते हैं, और MLP, LD और PP जो वेस्ट हैं वो हमारे रिसाइकलिंग प्लांट पे पहुँचते हैं, जहाँ पे हम उसको ग्राइंड करके और बोर्ड की शेप में कन्वर्ट करते हैं। बोर्ड से फिर उसी प्लांट के अंदर हमारी इनहाउस फैब्रिकेशन यूनिट है, जहाँ पे हम अलग अलग तरह के यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे स्कूल डेस्क है आपका, पार्क में जो लगने वाले बेंचेज हैं, या फिर स्टेशनरी गिफ्ट आइटम्स। सो डैट ये छोटे प्रोडक्ट हमने इसलिए बनाए ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक MLP की रिसाइकलेबिलिटी का मैसेज पहुँचा सकें। सर जैसे बोर्ड आपने शोकेस किए हुए हैं उनके बारे में बताएंगे? ये आप देख रहे हैं 8x4 के डायमेंशन में हम ये बोर्ड बनाते हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो हम 6 mm से लेके 24 mm तक के बोर्ड हम बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स आप देख रहे हैं। इन बोर्ड को बनाने में किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का एडेसिव यूज़ नहीं किया गया। ये 100% MLP से बनाया गया और हम डिफरेंट थिकनेस का बोर्ड बना के इसको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कलर आप देख रहे हैं, अलग अलग कलर, कोई ग्रीन है, कोई सिल्वर है, कोई मल्टीकलर
कलर का है। ये कलर्स प्योरली उस वेस्ट का कलर है, जिस कलर का वेस्ट हम बोर्ड बनाने में डालते हैं, जो इनपुट डलेगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। एंड हमने इतना डीप लेवल पे सेग्रीगेशन किया है कि हम कलर वाइज बोर्ड बना सकते हैं। हम अगर आप कहेंगे व्हाइट कलर का बोर्ड बनाना है तो हम व्हाइट कलर का बोर्ड बना सकते हैं। सो लाइक दिस इज प्योरली व्हाइट कलर बोर्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द सेग्रीगेशन, कलर सेग्रीगेशन ऑफ द एमएलपी। अगर आप व्हाइट कलर के मटेरियल को सेग्रीगेट करके बोर्ड बनाते तो आप इस कलर का बोर्ड सर क्लाइंट को आप फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कराते, साथ में आप बोर्ड भी दे सकते। हम बोर्ड भी बेचते हैं, प्रोडक्ट भी बेचते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वैसे हम कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक सब्स्टिट्यूट है प्लाईवुड का। जितने ज़्यादा जहाँ जहाँ पे आप प्लाईवुड का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ पे आप इस बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि ये प्रोसीजर जो आपका सस्टेनेबिलिटी में वर्क करते हैं आप, तो अगर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहेगा तो किस तरीके से? आप हमसे info@ipcaworld.co.in पे मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ipcaworld.co.in। चलिए, कंपनी कितने टाइम पीरियड से है? ये 24 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में आई एम द फाउंडर, हमने ये कंपनी बनाया था 2001 में विद द विजन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड टू ब्रिंग सस्टेनेबल एक्टिविटी एंड टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन द कम्युनिटी सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। सर ये आइडिया तो अभी कुछ टाइम पीरियड से ही हुआ है रिसाइकल का, उससे पहले तो था ही नहीं? उससे पहले पॉपुलर नहीं था, बट हम तो 2001 से इस पे काम करते हैं कर रहे हैं जी। जब से प्लास्टिक बैन हुआ है तो तब से इसको एक एक्सेलरेशन मिला है, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था उसके बाद से, और उनकी कुछ पॉलिसीज आई हैं, रूल्स आए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल से, तब से जो काम हम 2001 से कर रहे थे उसको एक्सेलरेशन मिला है। अब ये एक पब्लिक डोमेन में आके इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है एंड इंडस्ट्री भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि स्क्रैप टू ग्रैनुल्स बनता है, ग्रैनुल्स के बाद ये बोर्ड बनता है, बोर्ड वगैरह है, बोर्ड के बाद फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसके बाद में बीच में अगर ग्रैनुल्स किसी को चाहिए वो भी ले सकता है? हाँ, या नहीं, नहीं, ग्रैनुल्स भी बिकते हैं मार्केट में, तो रिसाइकलिंग के डिफरेंट प्रोसेस है, तो जिसकी जैसी नीड होती है वैसे उसको प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? यस यस यस। ओके, तो सर जैसे आपने बताया प्रोडक्ट के बारे में, तो ये प्राइस के अकॉर्डिंगली कैसे है, रीजनेबल है या? इट्स वेरी रीजनेबल, कॉम्पिटिटिव है, जैसे वुड का जो प्राइस है सेम प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वी हैव नॉट इंक्रीज द प्राइस रिसाइकलेबिलिटी के कारण, हमने उसके प्राइस बढ़ाए नहीं है, ताकि हम मैक्सिमम लोग, हमारा उद्देश्य है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों तक हम अवेलेबल करा सकें। ओके सर, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं अपने प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं इसी से रिलेटेड, तो आपके आपकी कंपनी के प्रोडक्ट उनकी कंपनी से अलग क्यों हैं, या क्या मतलब क्यों आप रिकमेंड करोगे कि आपके पास आए? हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल है, जैसे आप देख रहे हैं, आप खुद कंपैरिजन करेंगे तो जो फिनिश हम अपने प्रोडक्ट में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक सप्लाई चेन पे कंट्रोल है, प्राइसिंग पे हमारा कंट्रोल है, और एक हम सस्टेनेबिलिटी के मतलब हमारा कलेक्शन से लेके डिस्पोजल का पूरा सप्लाई चेन हम कंट्रोल करते हैं। okay. जहाँ पे कलेक्ट भी कर रहे हैं हम, कम्युनिटी को एंगेज भी कर रहे हैं, तो एक पूरा वेस्ट जनरेशन से लेके डिस्पोजल तक पूरा जो कंट्रोल है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो सर जैसे इस एक्सपो में आप आए हो तो रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, लोगों से काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, और मुझे लगता है कि इस एक्सपो से हम अपने प्रोजेक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो सर जैसे आपकी कंपनी के बारे में लोग अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी का मार्केट फीचर क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं आप? नहीं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, अगर हम अपनी ग्रोथ को पिछले 5-6 सालों में देखें तो हमने करीब 400% जो है वो ग्रोथ करा है इस सेक्टर में। सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वी आर द बेस्ट एंड वी आर पायनियर इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट पे काम कर रही है। वेस्ट पे ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोगों में से हम एक वन ऑफ द कंपनी है जो रिसाइकलिंग भी करती है, कलेक्शन भी करती है, और लोगों को जागरूक भी करती है। थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू जी।